भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जल्द ही नई सस्ती एयरलाइंस शुरू करने वाले हैं। राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयरलाइंस ने बताया कि ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बोइंग को 72 MAX 737 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया गया है। SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड अकासा एयर नाम से उड़ान भरेगा। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इस डील के तहत 72 विमानों की कीमत करीब $9 अरब है। अकासा एयर के ऑर्डर में 737 मैक्स फैमिली के दो वेरिएंट प्लेन शामिल हैं, जिसमें 737-8 और हाई कैपेसिटी वाले 737-8-200 शामिल हैं। अकासा एयर के CEO विनय दुबे ने 72 विमानों के ऑर्डर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कम लागत में बेहतर विमान मिलने से हमारा सस्ती एयरलाइंस चलाने का उद्देश्य पूरा होगा। इसके अलावा बोइंग 737 मैक्स प्लेन पर्यावरण के भी अनुकूल है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है। भारत में हवाई यात्रा क्षेत्र में तेज ग्रोथ की संभावना है। अकासा एयरलाइंस का लक्ष्य लोगों को सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना है। अकासा कंपनी के पास 737 मैक्स विमान होने से वह भारतीय बाजार में अपनी पकड़ तेजी से मजबूत करेगी। राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयरलाइंस को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अकासा एयरलाइंस की उड़ानें साल 2022 की गर्मियों से शुरू हो जाएंगी। इस नई एयरलाइन कंपनी के बोर्ड में इंडिगो के पूर्व प्रेसिडेंट आदित्य घोष शामिल है। इस नई एयरलाइंस में राकेश झुनझुनवाला की करीब 40% हिस्सेदारी है। खबर है कि वो इस वेंचर में करीब $35 मिलियन निवेश करेंगे।